डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हाउ टू क्रैक सीडीएस फर्स्ट 2018, जिसका कि नोटिफिकेशन अभी आउट है। और आई विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट कोर्सेस वी प्रोवाइड फॉर सीडीएस फर्स्ट 2018। बच्चों, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बिकॉज आप सारे ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में अपीयरिंग या तो होंगे या फिर आपने ग्रेजुएशन कर ली होगी, तो क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, बिकॉज इट इज कंडक्टेड बाई यूपीएससी। तो थोड़े से तीनों पेपर्स के बारे में, प्लस एक ऑथेंटिक मटेरियल कि कहाँ से इसकी तैयारी करें। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप कोई बुक किसी पब्लिकेशन की ले लेते हैं और वो पब्लिकेशन की बुक इतनी आपको हेल्प नहीं करती, बिकॉज कॉन्स्टेंटली अपडेशन चाहिए, बिकॉज यूपीएससी क्वेश्चंस के ट्रेंड में काफ़ी बदलाव करती है। लाइक अगर मैं बात करूँ जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज की कुछ स्टैटिक जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये स्टैटिक जानकारी की नो डाउट कुछ बुक्स हैं, जैसे कि एनसीईआरटी की जो बेसिक बुक्स हैं उनमें बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी की बुक्स में ये दे रखी है जानकारी। अब चाहे तो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स को भी हमने कंपाइल करके कुछ नोट्स बनाए हुए हैं और हम कहते हैं कि उन नोट्स से बाहर कुछ नहीं जाना, बिकॉज मोस्ट ऑफ चीज़ें जो थी, इसका जो निचोड़ था, क्रक्स था एनसीईआरटी बुक्स का, ये लेके हमने अपना स्टडी मटेरियल डिज़ाइन किया है सीडीएस फर्स्ट 2018 के लिए। बच्चों, जहाँ तक कुछ डिफरेंट सेक्शंस हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं जीके की बात करूँ, तो देखिए जीके का अगर आप पेपर देखें तो जीके के पेपर में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पूछी जाती हैं। जीके के पेपर में आपको जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि जैसे कि पिछले मैं 3 साल के पेपर के एनालिसिस की बात करूं, तो हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं, पॉलिटी से आते हैं, इकोनॉमिक्स से आते हैं, यानी कि जनरल स्टडीज के सेक्शन से आते हैं, जनरल साइंस से भी आते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, और करंट इवेंट से भी आते हैं। और अगर आप पिछले पेपर को देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उन्होंने करंट अफेयर्स यानी करंट इवेंट से पूछे हैं। तो बच्चों, एक तो होती है स्टैटिक जानकारी और एक होती है डायनेमिक, राइट। आजकल का जो यूपीएससी का ट्रेंड पिछले सालों से देखने को मिलता है, उसमें आप देखेंगे कि स्टैटिक जानकारी चाहिए। और हिस्ट्री में भी आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल हिस्ट्री का एक्सपर्ट बनना है, हिस्ट्री से पीएचडी करनी है, तो देयर आर वेरियस यू नो पार्ट्स ऑफ द हिस्ट्री, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री हुई, मेडिवल हुई, मॉडर्न हुई, वर्ल्ड हुई, कंटेम्प्रेरी हुई। आप देखेंगे कि ज्यादातर क्वेश्चंस वो मॉडर्न से पूछते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू शुड गिव द मोर वेटेज टू द सेक्शन। एंशिएंट से कभी एकाध क्वेश्चन पूछा गया है, और वो भी हड़प्पन सभ्यता से रिलेटेड, और उसमें क्या क्या बदलाव थे, कहाँ से सभ्यता स्टार्ट हुई, वो सब क्वेश्चंस एक आधी है जो कि बार बार रिपीट भी कर जाता है। एक आध क्वेश्चन पूछा गया तो आप इस सेक्शन को छोड़ भी सकते हैं। सो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपको बस कोई एक ऐसा मटेरियल मिल जाए कि बस भाई 40-50 पेज या सिर्फ 60 पेजेस में पढ़ लूँ और उनसे बाहर कुछ नहीं आए, तो वो मटेरियल हमने तैयार करने की कोशिश की है। सिमिलरली ज्योग्राफी के बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, वर्ल्ड, फिजिकल, इकोनॉमिकल, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन दे आस्क फ्रॉम फिजिकल और वर्ल्ड। अगर आप पिछले 18-20 साल के पेपर के एनालिसिस को देखें तो ज़्यादातर क्वेश्चन वो फिजिकल और वर्ल्ड से पूछते हैं, तो ऑटोमेटिकली योर वेटेज शुड बी मोर ओवर देयर। और इन आवर नोट्स स्पेसिफिक emphasis is given to this section. इस पर हमें emphasis किया है, तो इनसे बाहर कुछ फंसने की संभावना नहीं रहेगी। Similarly, polity के कौन से section हैं जिनसे questions पूछे जाते हैं, economics के कौन से हैं, physics, chemistry, biology, similarly किस type के questions, जैसे general science में physics के कौन से topics से related questions आते हैं, chemistry के, biology के, तो इन सब को हमने compile किया है अपने notes में कि कैसे एक specific material को पढ़ के आपको कुछ बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, As far as the current events is concerned, तो static जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और dynamic का मतलब क्या है कि आजकल वो अगर polity का question पूछेंगे तो उसको थोड़ा current से link करके पूछेंगे, यानी कि current scenario, जैसे right to privacy हुआ, या triple तलाक का कोई कानून दिया हुआ है, आर्टिकल 21 gives you the right to life, तो right to privacy इसका intrinsic part है या नहीं, तो ये polity के question है लेकिन current से related पूछेंगे। डोकलाम क्षेत्र कहाँ स्थित है, अब ये डोकलाम से संबंधित बात है, लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, लेकिन वो उससे संबंधित अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिकॉज ये करंट सिनेरियो में है। तो बच्चों, एक स्पेसिफिक मटेरियल आपको चाहिए होता है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और हमने जीके का हो, इंग्लिश का हो, तो पिछले 18 साल के पेपर के एनालिसिस के बाद हमने कुछ मटेरियल तैयार किया है। तो देखिए, इसके स्टडी मटेरियल में हम कुछ बुकलेट्स प्रोवाइड करते हैं,
जैसे कि इंग्लिश की बुकलेट है, इंग्लिश में हमने ग्रामर सेक्शन को कवर किया है, दिस इज द बेसिक बुकलेट ऑफ इंग्लिश, इसमें आर्टिकल्स नाउन यानी कि ग्रामर के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको कवर किया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कवर किया है, इंट्रोडक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड कौन कौन सी ट्रिक्स से आप जल्दी से क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा वोकेबलरी, वोकेबलरी में लिस्ट ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स कन्फ्यूजन मिस यूज, फोबियाज, मानियाज, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, ये रूट्स होते हैं बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज में खुद के वर्ड्स काफी कम है और उसने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से कॉपी किए हैं, तो अगर आपको रूट वर्ड का मीनिंग पता है तो आप बहुत सारी चीजों को सेंस आउट कर सकते हैं। जैसे कि मॉर्ट शब्द है, ये कहीं भी आ जाए इसका मतलब होता है डेथ, मृत्यु, आपने पोस्टमार्टम सुना होगा, एंटी मॉर्टम आपने सुना होगा, मॉर्टल सुना होगा, इमॉर्टल सुना होगा, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि मॉर्ट किसी भी शब्द में अंग्रेजी में आ जाए तो इसका मतलब होता है मरना, मृत्यु से संबंधित। एंथ्रोप कहीं भी आ जाए इसका मतलब होता है ह्यूमन और मैनकाइंड, मिज़ेंथ्रोपी, वन इट्स One who hates the humanity, philanthropy, one who loves the humanity, anthropology, मानव विज्ञान, तो जहां भी anthrop आ जाए इसका मतलब मानव, तो roots will help you a lot. Similarly, synonyms, antonyms, one word substitution को भी इसमें basic booklet में हमने cover किया है. Verbal ability में sentence improvement, close test, spotting errors, test of spellings, jumbled paragraphs and critical reasoning और मैंने test series को इसमें cover किया है, और इसके साथ साथ आपको इसमें चार fast trick टेस्ट भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो ये हमारे इंग्लिश की बेसिक बुकलेट है। इस बेसिक बुकलेट के बाद एक और बुकलेट आपको करनी होती है, दैट इज द एडवांस, तो ये दो बुकलेट आपको इंग्लिश की करनी है प्लस एक हमारा जो क्लास नोट्स की जो बुकलेट होती है वो आपको कवर करनी है, तो टोटल तीन बुकलेट्स आपको इंग्लिश की कवर करनी है, जो कि कुछ ज्यादा कठिन काम नहीं है, तो इन तीन बुक से बाहर कुछ नहीं जाना बिकॉज ये स्ट्रिक्टली उस पेपर के एनालिसिस के बाद ही तैयार होती है। सिमिलरली एज फार एज द जनरल स्टडीज इज कंसर्न, तो जनरल स्टडीज की अगर पोर्शन की बात करूं मैं तो इस पोर्शन में बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो एक मैंने बेसिक बुकलेट प्रोवाइड की है जिसमें कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन बैंकिंग, करेंसी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस, हेल्थ एंड मेडिसिन, गेम्स, स्पोर्ट्स, कल्चर्स, तो ये फास्टेस्ट, इसमें भी मैंने टेस्ट सीरीज को प्रोवाइड किया है, आंसर्स भी हैं, तो ये बेसिक बुकलेट है और इसके साथ साथ हम आपको एक एडवांस बुकलेट और देंगे, तो ये आपकी न केवल सीडीएस में हेल्प करेगी जबकि एफकेट जो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है उसकी में भी हेल्प करेगी, एसएससी के एग्जाम में भी हेल्प करेगी और भी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी हेल्प करेगी, प्लस इसके साथ एक एडवांस बुकलेट है, तो दो बुकलेट आपकी जनरल स्टडीज की होती है जो कि एक ये बेसिक बुकलेट है हर एग्जाम के लिए काम करती है। अपार्ट फ्रॉम इट सीडीएस चूंकि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है तो हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनके नोट्स जो हैं वो हम अलग अलग बुकलेट्स में देते हैं, यानी कि ये सात बुकलेट्स, यानी कि इनको हमने एक में कंबाइन किया है, तो ये सात बुकलेट्स आपकी और होंगी सीडीएस के लिए, और मैं समझता हूँ कि इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। एज फार एज द करंट अफेयर्स आर कंसर्न, तो करंट अफेयर्स के जितने भी नोट्स हैं हम हर मंथ का करंट अफेयर आपको व्हाट्सअप करते हैं और आपके ईमेल आईडी पर भेजते हैं, प्लस एक करंट अफेयर्स की क्विज भेजते हैं, तो एक तो क्विज जिसमें कि 40 क्वेश्चंस होते हैं हर मंथ में आपको मिलती है, और नंबर दो एक नेशनल एंड इंटरनेशनल, यानी कि दो पेजेज आपको ये महीने के मिलते हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जनरल स्टडीज एंड जनरल साइंस, यानी कि इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम आपको करीब चार पेजेस देते हैं, तो एक महीने में अगर आपको ये सारी चीजें कवर करनी पड़ती हैं, और मैं कहता हूं कि 99% चीजें यहीं से आती हैं, 99% चीजें आपको यहीं से पूछी जाएंगी, चाहे वो जनरल साइंस से है, जनरल स्टडीज से है, या फिर ये करंट, ये उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जो कि हमारा ये कोर्स लेते हैं। एज फार एज द क्वांट सेक्शन इज कंसर्न, तो क्वांट सेक्शन की भी हमारी दो बुकलेट हैं, एक तो बेसिक बुकलेट जो कि आपके सिंप्लीफिकेशन, नंबर्स, HCF, सर्ट्स, लीनियर इक्वेशंस, एवरेजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शंस, पार्टनरशिप, यानी कि ये सारे टॉपिक्स हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, इवन डेटा सफिशियंसी, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, APGP, इन सबको प्लस फास्टेस्ट फास्ट ट्रिक जो टेस्ट हैं वो भी इसमें दिए गए हैं, प्लस विद सॉल्यूशंस ये आपको प्रोवाइड किया है, तो एक तो ये क्वांट की बेसिक बुकलेट है और इसके साथ साथ हम एक एडवांस बुकलेट इसकी और प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे सीडीएस के साथ साथ एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको, चूंकि रीजनिंग एक सब्जेक्ट है जो आता है, तो आप एफकेट की अगर लेना चाहते हैं तो उसमें आपको दो रीजनिंग की और एडिशनल बुकलेट्स मिलती हैं, तो आप इनको कर जाइए, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, फिर आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए,
इनसे बाहर कुछ जाने की संभावना नहीं रहेगी बिकॉज दे आर स्ट्रिक्टली मेड ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ द 18 इयर्स ऑफ पेपर. तो जो हमारा प्लान है सक्सेस का वो क्या है, सबसे पहले तो आपको कवर करनी होती है दीज बेसिक बुकलेट्स, उसके बाद एडवांस बुकलेट, उसके बाद फास्टेस्ट फास्ट ट्रैक जो टेस्ट है वो, और उसके बाद जो हम टेस्ट सीरीज आपको भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं. तो ये चार सक्सेसेस के आइडिया हैं. स्टेप वन विल कवर द 40%, 60%, 80%, 100% एंड यू विल बी 100% गेट द सक्सेस इन दिस एग्जाम. तो अगर मैं बात करूं इन कोर्सेज की, तो कौन कौन से कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू आती हैं, ऑनलाइन भी बच्चे पूछते हैं कि सर आप कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. तो बच्चों ये वीडियो मैं सबके लिए कॉमन बना देता हूँ. हम एक करते हैं स्टडी मटेरियल अपना बेचते हैं. स्टडी मटेरियल में मैंने कहा ये 10 बुक्स होती हैं, क्लास नोट्स होते हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं, करंट अफेयर्स के नोट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स होते हैं, करंट अफेयर्स क्वेश्चन के हर मंथ हम आपको भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू. ऑनलाइन असिस्टेंस भी देते हैं आपको 6 महीने का एटलीस्ट, और एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑफ द पेपर भी प्रोवाइड करते हैं. इस हमारे स्टडी मटेरियल की कॉस्ट केवल 3500 रुपए है. ये हर चीज के लिए है, ये सीडीएस के लिए भी है, अगर बच्चा एनडी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी 3500 रुपए ही है. ओटीए के लिए इसकी कॉस्ट 2999 है, क्योंकि मैथ्स की जो बुकलेट है वो इसमें एक्सक्लूड हो जाती है. दूसरा हम करते हैं पेन ड्राइव कोर्स. ये सारी चीजें पेन ड्राइव कोर्स में तो होती ही होती हैं, और इन सारी चीजों के अतिरिक्त पेन ड्राइव कोर्सेज में जो हमारा पेन ड्राइव कोर्स है उसमें हम आपको 2 32 GB की पेन ड्राइव भेजते हैं, जिनको कि आप अपने पीसी में लगा सकते हैं या अपने लैपटॉप में लगा सकते हैं, लैपटॉप में लगा सकते हैं, या फिर आपका कोई एलईडी है उसमें चला सकते हैं, या अगर मोबाइल फ्रेंडली भी है अगर आप चाहें तो मोबाइल में भी चल जाएंगी. तो ये सैंडिस्क की पेन ड्राइव होती हैं और 32 GB की पेन ड्राइव है, दो यानी कि टोटल 64 GB का मटेरियल होगा जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं. बाद बाकी कई सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज, वर्कशॉप्स, करंट अफेयर्स के नोट्स और ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं. इसकी कॉस्ट है 8500 और अफसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए इसकी फीस है 5000 रुपये. यानी कि आप घर बैठे सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं. कोई दिक्कत होती है आप मुझे व्हाट्सअप करके, कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं. हालांकि फुली सॉल्व मटेरियल है, कोई आपको क्वेरी नहीं आएगी. सेकेंडली ऑनलाइन क्लासेस. ऑनलाइन क्लासेस में हम आपकी ईमेल आईडी को असेस दे देते हैं. आप इस लिंक पर जाकर टाइप कर लीजिए, इस लिंक को देख लीजिएगा. तो हम सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं आफ्टर मेकिंग द पेमेंट. इसकी जो फीस है वो 7500 रुपये है और ओटी के लिए इसकी फीस 4500 रुपये है. इसमें ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें, इन सबको हम आपको प्रोवाइड करेंगे. The next one is the offline course, जो कि कई बार पूछा गया है कि हमारा सेंटर केवल मथुरा उत्तर प्रदेश में है और इसकी फीस 12500 है और OTA की फीस 9500 है. ये गूगल मैप के थ्रू अगर आप NDCA कोचिंग डालेंगे तो भी आपको गूगल मैप पर ये मिल जाएगा और ये हमारा ऑथेंटिक एड्रेस है. इसमें हम कोर्स रैपिंग अप के सेक्शंस देते हैं, बेसिक, एडवांस, टिपिकल और रिविजन, टेस्ट सीरीज, वर्कशॉप्स, नोट्स, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स सपोर्ट, GDPI सपोर्ट, करंट अफेयर्स क्वेश्चंस एवरी मंथ वी अपलोड. तो ये सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन कोर्सेज जो कि सेंटर हमारा मथुरा में है यहाँ मिलती हैं. तो 12500 फीस है. इसके अलावा अगर हॉस्टल चार्जेस हैं तो वो पड़ते हैं आपको 4500 रुपीज़ पर मंथ. तो अगर 3 महीने का कोर्स है तो आप लगा लीजिएगा ये पर मंथ की फीस है. बाद बाकी का मैंने आपसे कहा कि ये आपकी संतुष्टि है कि आप यहाँ कोचिंग करने आना चाहते हैं, लेकिन चाहें तो आप ये सारी चीज़ें ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं. तो बच्चों ये हमारे कोर्सेज हैं जिनको हम प्रोवाइड करते हैं. एक और मेरे पास क्वेरी आई कि सर हम कैसे पेमेंट करें, कहाँ से लें. तो देखिए मैं उसके बारे में बता देता हूँ. मैं राणा मैन के गोस्वामी है, मैं एयरफोर्स एक सर्विस मैन हूँ और ये मेरा अकाउंट है 1838021550516. तो इस अकाउंट में आपको ये पेमेंट जमा करना पड़ता है. ये इसका IFSC कोड दिया हुआ है और इस जमा इसमें अगर आपको पेन ड्राइव कोर्स लेना है तो 8500 जमा करना पड़ेगा. ऑनलाइन कोर्स लेना है तो अकॉर्डिंगली फीस जमा करनी पड़ेगी. स्टडी मटेरियल लेना है तो 3500 जमा करना पड़ेगा. ये जमा करने के बाद एक रसीद होती है, उसकी रिसिप्ट आप मुझे, ये मेरे नंबर है 8899350692, इस पर व्हाट्सअप कर दें. भले ही कॉल करें ना करें कोई दिक्कत नहीं, आप व्हाट्सअप कर दीजिए प्लस अपना एड्रेस इस पर भेज दीजिए. यानी कि आप सेंड योर एड्रेस अलॉन्ग विद द रिसिप्ट ऑफ द एवो पेमेंट इस नंबर पर भेज दीजिए
और ये जो मटेरियल है आपको 4 to 5 working days में आपको आपके दिए एड्रेस पर मिल जाएगा। आप मुझे इस नंबर पे इस पैसे को पेटीएम भी कर सकते हैं, या वह फोन पे ऐप एक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, अगर ये है तो इस नंबर पर मुझे पे कर सकते हैं इसी नंबर पर। और जैसे ही मुझे आपका पेमेंट रिसीव होता है विद इन 4 to 5 working days यू विल गेट द मटेरियल। तो ये चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। तो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस फर्स्ट 2018, सबसे पहले जो अभी पेपर होके चुका है सेकंड 2017 का, उसका एनालिसिस कर लीजिए। आप अगर इंग्लिश का देखेंगे तो देखिए क्वेश्चंस एंटोनिम्स नॉन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं वो आप देखेंगे कि पैराजम्बल से 17% आए हैं, और ये 17% यानी कि 34% जो पेपर का वेटेज है वो पैराजम्बल्स का ही है। एंड अपार्ट फ्रॉम 34%, 21% जो है वो स्पॉटिंग एरर्स यानी कि ग्रामर का है। तो बच्चों आपको थोड़ा सा ग्रामर पर ध्यान देना है, और पैरा जंबल्स यानी कि सीक्वेंसिंग ऑफ द सेंटेंसेस S1 S6 टाइप और PQRS टाइप, इन पर भी अगर ध्यान देना है तो आप सीधे सीधे से कट ऑफ इसका क्लियर कर सकते हैं। पैसेजेस 17% पूछे गए हैं, तो ऑब्वियसली इन सब की ट्रिक्स आपको हमारे वीडियो सॉल्यूशंस में मिल जाती है। तो आप इंग्लिश को भी ट्रिकी अप्रोच से देखें और समझने की कोशिश करें। बाद बाकी का आप कोई भी एक न्यूज़पेपर, द हिंदू हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, ये पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। बाद बाकी का करंट अफेयर्स के लिए अगर आप ये मटेरियल भी फॉलो कर रहे हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं जाता, यू कैन इजीली क्रैक द रिटन टेस्ट। ओके बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आई विल अपडेट अबाउट द SSB कोर्सेज के SSB की हम कैसे तैयारी करें और इसके लिए अभी से प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। थैंक्स फॉर होल्डिंग योर पेशेंस। मैं समझता हूँ कि जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन थे मैंने आपको आंसर किए। और किसी क्वेरी के लिए आप मुझे मेरे नंबर 8899350692 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है पूछ सकते हैं। फोन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कॉल्स होते हैं, मैं बिजी होता हूँ, लेकिन व्हाट्सअप का मैं देर सवेर आपको जवाब दे ही दूंगा। थैंक्स वंस अगेन फॉर होल्डिंग योर पेशेंस टू वॉच दिस वीडियो।